इस लैब को स्थापित करने के पीछे मुख्य जो मंशा है वो है जो भी उत्तर प्रदेश टूरिज्म कारपोरेशन UPSTDC जो एक कार्यदायी संस्था बन गई है, पूरे प्रदेश में कंस्ट्रक्शन के कार्य कर रही है, उन कंस्ट्रक्शन कार्यों में उपयोग होने वाले सभी मेटेरियल की गुणवत्ता की जांच सुनिश्चित रह सके, गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कोई कोताही न हो, इसी को लिए ये लैब का मुख्यालय पर स्थापन का कार्य किया गया है। और रैंडम रूप से आकस्मिक रूप से हमारे अधिकारी फील्ड में जाएंगे, बिना किसी सूचना के जाएंगे और आकस्मिक रूप से वहां से जो भी प्रयोग उस साइट पे हो रहा है मेटेरियल का, गिट्टी हो, बालू हो, सीमेंट हो, ईंटा हो, सरिया हो, उन सब का सैंपल लेके आएंगे और उस सैंपल की गुणवत्ता जो एक स्टैंडर्ड गुणवत्ता के सापेक्ष वो खरी उतरती है या अधोमानक है, इसका परीक्षण करके गुणवत्ता को सुनिश्चितता कराने का काम होगा। हमारा प्रयास है कि जो भी काम उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग के हों वो पूरी तरह, चाहे हमारे UPSTDC के कार्य हों या अन्य जो एजेंसी हमारे पर्यटन के काम कर रही है, उन सबकी गुणवत्ता का परीक्षण यहाँ कराया जाएगा ताकि गुणवत्ता में किसी प्रकार की कोताही न हो, सुनिश्चितता रहे, इस आशय से इस लैब की स्थापना की गई है। कंपनी और चाहे कंपनी बात करें चाहे ठेकेदार बात करें, नकेल कसने का काम किया जाएगा 100% प्रयास ये होगा कि पूरी गुणवत्ता सुनिश्चित हो, ठेकेदार अधोमानक कोई मेटेरियल इस्तेमाल न कर पाए और गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कोताही न हो, गुणवत्ता पूरी तरह जो भी मानक है उसके अनुरूप हो, ये सुनिश्चितता करने के लिए लैब की स्थापना की। शुरुआत यहाँ से होगी, उत्तर प्रदेश में इस तरह के लैब और बनाए जाएंगे? नहीं, ये मुख्यालय काफी है, ये कैपेसिटी की जरूरत पड़ेगी तो और कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है। 1 लाख का पूरे प्रदेश से सारे सैंपल यही परीक्षण होगा, वो करा जाएगा और साथ ही साथ हम लोग जैसा कि आपको ये भी संज्ञान में लाना चाहेंगे कि पर्यटन विभाग के जो भी कार्य हो रहे हैं उनकी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के लिए पहले ही हम निर्णय ले चुके हैं, QCI भारत सरकार की क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया के द्वारा हो या IIT रुड़की के द्वारा हो, जो देश की सबसे बड़ी स्टैंडर्ड ये दोनों संस्था हैं जो गुणवत्ता की फर्क के लिए थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करने का काम करती हैं, पर्यटन विभाग के कार्यों की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए इनको भी दायित्व दिया गया है जो चेकिंग करने के बाद पूरी की पूरी उसकी गुणवत्ता का सर्टिफिकेशन करने का काम करते हैं।